रीत सदा चली आई, हम क्यों बदलेंगे भाई। रसोई चलाए रे नारी ये प्यारी, नर तो करेंगे कमाई। बरसों के शासन को मर्दों के आसन को ऐसा किसने हिलाया। मिसेस तेंदुलकर आया, मिसेस तेंदुलकर आया रे, मिसेस तेंदुलकर आया। न सुना न देखा न हुआ, ये न भाभी न मौसी न बुआ। बाजी भी काटे रे कपड़े सुखाए रे, बच्चों की बन जाए आया। बीवी के सपनों के खातिर पति ने घर में है चूल्हा जलाया। क्या है, स्त्री घर गृहस्थी छोड़कर काम पे जाए और पुरुष घर पे बैठा रहे, आप ही की बदनामी होगी ना। बदनामी? नौकरी मैंने अपनी मर्जी से छोड़ी है। एक रिक्वेस्ट है, बैंकिंग आवर्स के दौरान प्लीज मुझे भाभी जी ना कहे। तो क्या कहें? मिसेस तेंदुलकर कह सकते हैं या फिर विभावरी। यहाँ वीएस तेंदुलकर में वी का मतलब विभावरी। आप हैं? विभावरी सुहास तेंदुलकर, आपकी नई ब्रांच मैनेजर। डैडी डैडी, डैडी चेंडू बर्तन धो रहा है। मेरा छोटा भी ना, मैं जो करता हूँ कॉपी करने लगता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बर्तन धो रहा था तो आपने बर्तन वॉशिंग मशीन में धोए। वॉशिंग मशीन में बर्तन धो रहा चेंडू। माझा सख्या साजना, सख्या साजना, आरती दिगु अण्णा। बोला दिगु अण्णा। वो क्या खाक घर संभालेगा तेंदुलकर है? अभी अभी उसके घर के हालात देख कर आ रही हूँ मैं। अकेली अकेली गई थी, मुझे साथ लेके जाती तो ठीक है, शाम को जाएंगे। वैसे भी उसकी बीवी को देखा नहीं है हमने। प्रसाद हाय। हाँ, कहाँ जा रहा है? मैं जिम जा रहा भाई। नया शर्ट पहन के चल, शर्ट बदल क्या। ठीक है। मुझे तो डर है इस तेंदुलकर की सोच का हमारे बच्चों पे बुरा असर ना पड़े। हाँ हाँ, महाकवि डोई फोड़े ने भी कहा है, अश्व श्वान गज गिरगिट के संग खेले काहे काहे रे, नकर नकल गिरगिट की रंग बदलता जाए रे। घुमाई, इसने मुंडी घुमाई, अब तो इसको समझा रेणुका। अरे प्रतिभा ताई, हाथी और घोड़े का बच्चा गिरगिट के साथ क्यों खेलेगा? क्यों खेलेगा या? अरे वही बोल रही है, क्यों खेलेगा। ये रेणुका भी है ना, ध्यान भटका देती है। अच्छी बोली, तेंदुलकर की बात कर रहे थे। हाँ, ऐसी मॉडर्न बीवी आई तो कल्याण। मैं तो अपने प्रसाद के लिए शांत सुशील घर का काम करने वाली गृह लक्ष्मी लेके आऊंगी सातारा से। अरे मैंने तो है ना मयूरी बेन के लिए बहुत अच्छा लड़का देख के भी रखा है। हाई क्लास बिजनेस मैन है, कमलेश दवे नाम है उसका। वो मेन मार्केट में उसकी बहुत बड़ी दुकान है फरसान की। अभीरी खमण में तो उसकी मोनोपोली है मोनोपोली। अच्छा, वैसे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, ये समीकरण ज्यादा दिन टिकने वाला ही नहीं है। झगड़ा होगा, मैं बोलती हूँ ना, झगड़ा होगा, और वो भी मिसेस तेंदुलकर की वजह से। नहीं नहीं गो, मुझे तो वो बहुत सीधी लगती है। तुझे तो अदरक भी सीधा लगता है। कल देखा ना, तेंदुलकर जब बता रहा था कि मुंगूस चॉकलेटी रंग का होता है तो कैसे बीच में आ गई। अहो घर चले, दिखती है डोमिनेटिंग है। मुझे तो लगता है इन दोनों में कभी कुछ हुआ ना तो मिसेस तेंदुलकर ही बोलेगी, चलो निकलो मेरे घर से। तल्लाक होगा तल्लाक। सुनो सुनो, अरे मिसेस बोलती रहोगी या सुनोगी भी नहीं? मुझे पता है एपिसोड कल शूट करना है मोनाली। अरे पर आखिरी सीन लिख रहा हूँ मैं, अरे बस लिख ही रहा हूँ, हो जाएगा थोड़ी देर में।
नहीं नहीं अर्जेंट है तो मैं कुछ भी आलतू फालतू तो लिखकर नहीं दे सकता ना सोनाली। हाँ नहीं एक्सक्यूजेस देने होते तो मैं कुछ भी बोल सकता था ना कि तबीयत खराब है या पड़ोसी गुजर गया है, पर यू नो कि मैं झूठ नहीं बोलता तृप्ति। ओके बाय। क्या हंस क्या रहे हो? मैं सचमुच झूठ नहीं बोलता। वो पता है डायरी, लेकिन आपने एक ही फोन कॉल पर एक ही लड़की को तीन तीन नाम से बुलाया। और सोनाली मोनाली तो स्टिल ओके, लेकिन थर्ड टाइम तृप्ति, जबकि उसका नाम इन तीनों में से एक भी नहीं है। मैं तो जस्ट डैडी। हाँ चलो चलो बस बस, अब डैडी की बुराई बाद में करना, अपने अपने कमरे में जाओ। चलो बाप रे कितने सारे काम पड़े हैं, एपिसोड लिखना है, विभावरी के कपड़े इस्त्री में देने हैं, चेन्नू ने जूस गिराया है, ओहो पोछा लगाना है। किटी पोछा लगा लोगी? यस डैडी। अभी आज ही? तो नो डैडी, मुझे मेरा डेस्क पे कवर चढ़ाना है, पढ़ाई करनी है डैडी, मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ। आई नो डैडी, किटी है ना कामचोर है कामचोर, आप इसके लिए ना कोई बोंदू टाइप फालतू टाइप जो चुपचाप बकरी बनके इसका सारा काम करता रहे, ऐसा हस्बैंड ढूंढना, कोई हाउस हस्बैंड टाइप। जस्ट पुलिंग योर लेग डैडी, यू आर टू माय कूल डूड, वरना मम्मी को ब्रांच मैनेजर बनने मिलता। वैसे हमारी वो काम वाली भाई निर्मला भाई क्यों नहीं आई? हम जहाँ भी जाते थे वो आती थी, यहाँ क्यों नहीं आई? आ जाएगी दो दिन में, गांव गई है ना छुट्टी लेकर, एक बार वो आ जाए ना फिर देखना लाइफ कितनी इजी हो जाती है। चलो चलो नहीं सबसे पहले एपिसोड लिखता हूँ। एक और काम डैडी। अरे हाँ सोजा 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 बेटा, चेन्नू सोजा, इतना जोर से बोलता है तू। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते साहब। नमस्ते, पहचाना क्या? रामलीला शिवराम। हाँ हाँ वो कुरियर वाला। हाँ क्या किस्मत है साहब, आपकी इधर बदली हो गई तो मेरी भी इधर बदली हो गई। वाह, ये लीजिए आपका कुरियर साहब। एक बात पूछू? हाँ पूछो पूछो। मैं जब कभी कुरियर देने के लिए यहाँ आता हूँ हमेशा आप ही दरवाजा खोलते हैं, इसका मतलब आप काम पर नहीं जाते, फिर भी आपके नाम का भारी भरकम चेक कैसे आता है? मतलब आप घर में बैठ के करते क्या है? आपको कैसे मालूम पड़ा इसमें चेक है? क्या है लिफाफे को ऐसे धूप में पकड़ने का, सब दिखता है साहब। एक सीक्रेट मैंने खोला ना, अब आपकी बारी है, बताइए ना घर में बैठे कौन बनेगा लखपति, कैसे खेलते? मेरे डैडी सीरियल लिखते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है, कौन सी सीरियल लिखी आपने? नारी तू नरकासुर मर्दिनी, देखी आपने? नहीं नहीं देखी। तो हमारी बेटी गुड़िया बंदूक चलाए बढ़िया, देखिए। वो भी नहीं देखा। हाँ तो ये तो देखी होगी, बेटिया रानी बेटा रमेश से सयानी, दोनों खानदानी। नहीं नहीं दरअसल मैं टीवी सीरियल नहीं देखता। तो क्या तब से हाँ आगे जा रहे डैडी? ये तो डैडी क्या हुआ डैडी? क्या बोल रहे हो प्रसाद? हाँ मयूरी, मेरी बीवी सातारा से और तुम्हारा पति कोई कमलेश दवे करके। कमलेश वो अमीरी कमर वाला? प्रसाद वो तो मजेंटा कलर की चाइना सिल्क की शर्ट पहनता है और मैचिंग पान मसाला खाता है। मैचिंग पान मसाला? हाँ जिस कलर की शर्ट पहनता है उसी कलर का डब्बा रखता है पान मसाले का। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मयूरी हमें इस कॉलोनी से भाग जाना चाहिए। यू आर राइट, लेकिन कब भागे? कल सुबह 6 बजे, सब लोग सो रहे होंगे। कैसे इलॉजिकल बातें करते हो प्रसाद, अगर सब सो रहे होंगे तो हम भी सो रहे होंगे ना, मैं तो उठती 10 बजे हूँ। अभी भाग चले। हट फिल्मी, अभी तो पैकिंग वैकिंग भी नहीं हुई और तुम्हारा जिम भी तो बाकी है ना? हाँ आज बैक और बाइसेप्स है। तो जरूरी है प्रसाद, वरना इतना सारा सामान कैसे उठा पाओगे?
तीन बड़ी बैग तो मेरी अकेली की होंगी। रास्ते ऐसे भी नहीं भाग पाएंगे। क्यों? वो कॉलोनी की भीमा भाई कहाँ आई है काम पे कल से? सारी औरतें खुद कपड़े बर्तन कर रही हैं। तो अच्छा है ना मयूरी, सब बिजी होंगे तो हम आसानी से भाग पाएंगे। क्या प्रसाद, उर्मिला भाभी अकेली घर पर काम कर रही है और मैं। तुम मदद करती हो उनकी? हाँ, तो आज मैं सीरियल देख रही थी तो मुझे बाहर से कपड़े धोने की आवाज आई, ठाक ठाक घिसर घिसर। तुरंत खड़ी होकर मैंने अपने रूम का दरवाजा खुद बंद किया और ब्रेक हुआ तो भाभी से पूछा भी और कोई मदद करूं तो भाभी ने कहा मैनेजर की छत पे कपड़े सुखाओ, तो मैंने मना कर दिया। क्यों? ब्रेक इतना लंबा नहीं होता प्रसाद। हाँ, और फिर क्या पता वो नई मैनेजर का हाउस हस्बैंड तुम्हें अलाउ करता भी है नहीं। करता करता, बहुत ही स्वीट क्यूट और हेल्पफुल टाइप लगता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह प्रसु। चल काइतर इसका है। सच? बहुत ही पेशेंट आदमी लगता है मुझे। क्या हुआ? हौसला रखिए डैडी, होने को कौन टाल सकता है। ओ नो, शायद भगवान को यही मंजूर था। क्या कोई चला गया है क्या? हाँ, हमारी काम वाली निर्मला भाई हमेशा के लिए अपने गांव चली गई है। क्या? निर्मला चली गई है? चुप कर, तुम्हें से बात करो। डैडी कंट्रोल। अरे देखा नहीं किस तरह से बात कर रहा है ये आदमी। कैसे बोलना चाहिए था? अरे रिस्पेक्ट से बोलो ना, निर्मला देवी चली गई। या तो निर्मला देवी चली गई, या तो निर्मला देवी चली गई, या तो बस। हाँ ओके बस, अब कैसे लिखूंगा मैं एपिसोड्स? मतलब वो आपको लिखने में हेल्प करती थी? अरे वो साफ सफाई करती थी, तभी तो मैं निश्चिंत होकर एपिसोड्स लिख पाता था इतने अच्छे। और निर्मला भाई की साफ सफाई मतलब सफेद कपड़े को तो और सफेद बना दी थी, काले कपड़े को भी सफेद बना देती थी। डैडी थोड़े ज्यादा हो गया। हाँ ओके ओके, समझ रहे हो ना उसकी इम्पोर्टेंस, समझ रहे हो ना। कभी कभी तो सब्जी भी काटती थी, और सब्जी काटती थी मतलब। और देखो देखो बेचारी ने क्या लिख कर भेजा है, पढ़ो। ये तो इंग्लिश में लिखा है, मैं कैसे? कुरियर वाला है और इंग्लिश पढ़ने नहीं आती। और निर्मला भाई इंग्लिश में लेटर लिखा है। डियर विभात आई, माय हस्बैंड सेटलिंग इनटू मुकाम पोस्ट गाढ़वाड़ी डिस्ट्रिक्ट नासिक, ग्रोइंग ओनियन पटाटा, एंड यू नो ओनियन समटाइम्स बिकमिंग गोल्ड, सो वी ना कमिंग नाउ, फॉरगेट अवर रिलेशनशिप old. Thank you for your respect and Paithani sari gift which you giving last Diwali. Love to Kitty Baby, Sunny Baba and Sweet Chendu. You are favorite by Nirmala. लेकिन आपके बारे में कुछ नहीं लिखा है। नहीं। क्या क्या ये क्या आपके बारे में कुछ नहीं लिखा है? ये क्या लिखा है? रिस्पेक्टेड तेंदुलकर भाऊ, कौन है तेंदुलकर भाऊ? मैं हूँ। चल चल निकल निकल। इससे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता इससे। बेटा डोंट वरी, बेटा डोंट वरी। हाँ चलो फोन करो, अपनी मम्मी को फोन करो, दुख समाचार देने तो पड़ेंगे ही ना। डैडी आज उनका पहला दिन है और आज ही के दिन इतने बड़े सदमे वाला बैड न्यूज। नहीं नहीं, यू आर राइट, शाम को घर आने दो, फिर पानी वानी पिलाएंगे और फिर धीरे धीरे बता देंगे। पता नहीं कैसा जा रहा होगा उसका पहला दिन। आइए मैडम, आइए आइए, ये देखिए नया अकाउंट खोलने का काउंटर। पिछले साल जनवरी में आखिरी कस्टमर आया था, उसके बाद ये देखिए, ये है कैशियर केबिन। ये देख रहे हैं पगार है साहब,
ये घनश्याम टूरिस्ट गाइड बना हुआ है, हर चीज ऐसे गर्व से दिखा रहा है जैसे ताजमहल दिखा रहा है। आइए आइए, देखिए देखिए मैडम, हटो, ये देखिए मैडम। देख रही हूँ कितनी धूल जमी है, साफ सफाई हुई नहीं लगता है बहुत दिनों से। हाँ, हाँ, हाँ। अरे हंस क्या रहा बेवकूफ, ये तेरा ही काम है। मेरा काम मुझे बराबर मालूम है, कोई पोस्ट वगैरह आती है तो देना, फाइल वाइल आती है तो देना, नोटिस पर साइन करवाना, चाय आती है तो देना। और मैडम मेरी चाय रखने की जगह भी एकदम फिक्स है, ये देखिए निशान भी बना है। अरे ऐसे निशान हर टेबल पर मिलेंगे आपको। कोस्टर वोस्टर यूज नहीं करते? टोस्ट कोई खाते नहीं चाय के साथ। मैं टोस्ट की नहीं कोस्टर की बात कर रही हूँ, ये ऐसे निशान ना हो इसलिए नहीं, वो चाय के कप के नीचे प्लास्टिक का या लकड़ी का या। इतनी फुर्सत कहाँ मिलती है सब लगाने के लिए, बैंक में इतना काम होता है। कौन कौन बोला, कौन इस बैंक में काम करने की बात करता है, कौन पगार है? काम करते हो आप इस बैंक में? काम करते हो त्रिवेदी? काम करते हो? काम करते हो? ओ पासनी, काम करते हो? काम करते हो? एक्सक्यूज मी, क्या आपको भी अपना खाता बंद करवाना है? चलिए मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं इस ब्रांच की नई मैनेजर हूँ। आप जरा मेरे केबिन में आएंगे प्लीज, एक मिनट के लिए आइए, प्लीज आइए, आइए ना प्लीज। बढ़िया। देखा कैसी साफ सफाई की बात कर रही थी, आखिर औरत। देखो उसे ऐसे ही साफ सफाई में उलझा देंगे, पहले जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा, हम 4:30 बजे जाएंगे मतलब जाएंगे। डन 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 डन। तो कर लिया, हालत मेरी खराब हो गई, चलो फाइनली घर की सफाई हो गई, मेरा एपिसोड भी पूरा हो गया, टेंडू भी सोया हुआ है, अब हो गए ना सारे काम। मैं भी थोड़ी देर। डैडी लंच। हेलो हो, टेंशन क्यों लेते हैं, पास ही में रेस्टोरेंट है, मंगवा लेते ना। हाँ वो रेस्टोरेंट है ना यहाँ, वो कल आते समय देखा था हमने, वो कौन सी कोई हीरोइन का नाम था, श्रीदेवी उड़ीपी रेस्टोरेंट। हाँ जिसे देखकर मैंने याद किया था। नहीं नहीं, वो तो धनंजय लंच होम था जिसके नीचे लिखा हुआ था राइस प्लेट चालू है। श्रीदेवी तो वो था जिसके एंट्रेंस में कीचड़ जमा हुआ था। रियली? भूल गए डैडी, वहाँ हम कॉलोनी का एड्रेस पूछने गाड़ी से उतरे थे। हेलो, जहाँ कस्टमर्स कम और मक्खियाँ ज्यादा थी। हमें यहाँ का एड्रेस मक्खियों ने ही तो बताया था। सोचो मक्खियाँ एड्रेस बताएगी तो कैसे बताएंगी। पहले सीधा जाना फिर लेफ्ट लेना। इन शॉर्ट बाहर का खाना कैंसिल, घर पे ही ब्रेड बटर। और डैडी आलू प्याज की सब्जी। किटी यू नो आई नेवर रिपीट माय रेसिपी। मैं तुम्हारे लिए इस नई कुक बुक में से वेजिटेबल्स इन सोया एंड पीनट सॉस बनाऊंगा। नहीं। यस। मैंने बुलाया है एक अकाउंट क्लोजिंग का फॉर्म ले आई। ये तो आता है ना तुम्हारे काम में? हाँ ये आता है, लेकिन साफ सफाई नहीं। हाँ जरा जल्दी। हाँ देखिए जब तक ये फॉर्म ले आता है मैं आपसे एक सवाल करूं, अकाउंट बंद करने की एक वजह बता सकते हैं आप मुझे? एक वजह क्या, मैं आपको 2 दर्जन वजह देता हूं मैडम, उनमें से जो अच्छी लगे रख लीजिएगा। वजह नंबर एक, एंट्रेंस से ही शुरू करता हूं, जरा सीढ़ी पे गौर कीजिएगा, उसमें बरसात में वो हरा हरा हो जाता है, वो काई काई। हाँ काई, जिस पे पैर पड़ते ही फिसलने के लिए छटपट आता है, ऐसे ऐसे जानवरों की तरह दोनों हाथों को भी सीढ़ी पे रख के आगे बढ़ना पड़ता है। वजह नंबर दो, बैठिए, मेन दरवाजे का हैंडल,
वो कभी दरवाजे पे होता है तो कभी नहीं होता है। वजह नंबर तीन। माफ कीजिए, काई से फिसलन होती है ये तो मैं समझ गई, पर दरवाजे का हैंडल दरवाजे पर ना होने से आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, क्योंकि कभी कभी मेन दरवाजा मैं खोलता हूँ, आपका स्टाफ बाद में आता है। वजह नंबर तीन। न सुना न देखा न हुआ, ये न भाभी न मौसी न बुआ, बाजी भी काटे रे कपड़े सुखाए रे बच्चों की बन जाए आया, बीवी के सपनों के खातिर पति ने घर में है चूल्हा जलाया। 15 मिनट से सिलेंडर को फिट करने की कोशिश करे, तुझे तो आता है ना किटी? कहाँ आता है मुझे, और अगर आता भी तो थोड़ी ना फिट करती। वेजिटेबल एंड सोया एंड पीनट सॉस खाने के लिए। डैडी रहने दीजिए ना, हम ब्रेड बटर खा लेंगे। नो वे, तुम्हारी मम्मी क्या सोचेगी, घर संभालने की जिम्मेदारी ली है मैंने और बच्चों को ब्रेड बटर खिला रहा हूँ। करेक्ट। अब जरूर फिट हो जाएगा। जोर से बोलता है, ये क्या बलून है कि पॉप करके फट जाएगा? लेकिन रेगुलेटर टूट तो सकता है ना डैडी। अभी आप रहने दीजिए, शाम को मम्मी आएगी ना तो उनकी हेल्प लेकर कर देना। हाँ, और लगे हाथ उनसे डिनर भी बनवा लेना। नहीं नहीं यार, डिनर तो मैं ही बनाऊंगा, शाम का मेनू भी हटके होगा। क्या होगा? थंडरबोल्ट पकौड़ा। रहने दीजिए ना, अभी ब्रेड बटर दे दीजिए प्लीज। वजह नंबर 11। हाँ, बैंक का एसी जो कभी कभी खराब होता है, लेकिन वो कभी कभी यहाँ कभी कभी नहीं, बार बार खराब होते रहता है। ऐसे एक बार जब एसी खराब हुआ तो उपासनी जी ने पसीना पोंछकर पूरा रुमाल गीला कर दिया। माफ कीजिए, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम? सोचिए सोचिए, इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप सोचकर बताइए। बैठिए, सोचिए। वो रुमाल उपासनी जी ने आपसे उधार लिया था। करेक्ट, बहुत जल्दी पकड़ लिया आपने। डैडी आप कब से फ्रिज खोलकर बैठे हैं, कूलिंग बाहर जा रही है, फिर आप ही कहते हैं सेव एनर्जी। देखो ना, वो बटर मिल ही नहीं रहा, लगता है तुम्हारी मम्मी को फोन करना ही पड़ेगा। वजह नंबर 17, पुराना मैनेजर जोशी, जिसे खाने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। जब देखो फोन पे असामरी दाल में बटर जरूर डालना। एक मिनट। हाँ सुहास। विभा, बटर कहाँ है? हाँ बताती हूँ, मेन गेट, मेन गेट खोलो, मेन गेट। मेन गेट किसका, घर का कि कॉलोनी का? डैडी सामने कोई कस्टमर होगा, मेन गेट मतलब फ्रिज का मेन डोर। हेलो, फ्रिज का मेन गेट खोला, फिर? हाँ फिर फोर्थ फ्लोर पे देखो। मेन गेट से सीधा फोर्थ फ्लोर? माय हस्बैंड बच्चों को स्कूल छोड़ने गए हैं ना, तो ज्योग्राफी नहीं पता, तो एक देखा फोर्थ फ्लोर पे। यहाँ बाकी बहुत कुछ दिख रहा है लेकिन बटन नहीं दिख रहा। वहाँ गौर से देखो, वहाँ पे एक आया खड़ी होगी। आपको कैसे पता कि वहाँ आया खड़ी होगी? आया